से प्रभावित हो रहा है और इसी कड़ी में अजमेर में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में जलभराव है, इसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर में भारी बारिश के बाद शहर का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। जल भराव की ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं। सिर्फ दो घंटे की लगातार बारिश से शहर पानी पानी हो गया, सड़कें दरिया बन गई। अजमेर की लोहागल क्षेत्र के जनाना रोड पर पानी के तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल सवार बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर भारी जाम लग गया। स्कूलों में भी पानी भर गया, जिसके चलते छात्रों को भारी परेशानी हुई। आनासागर झील भी एक बार फिर ओवरफ्लो हो गई। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां इस बारिश के कारण एक बार फिर जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में लोग प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इस बारिश के पानी से निजात मिल सके। अजमेर में दो घंटे हुई बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। इस वक्त हम पुलिस लाइन क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर पुलिस लाइन स्कूल के साथ ही यहां पर हॉस्पिटल भी है और ये जो पूरी रोड है वो पूरी तरह से जाम यहां पर पड़ी है। देखेंगे किस तरह का ये नज़ारा है, जहां पर 2 से 3 फीट का पानी जो है अलग अलग स्थानों पर भरा हुआ है और इसके कारण जो है स्थिति खराब है। स्कूल में हालांकि लोग जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि छुट्टी हो तो घर जाएँ, और ऐसे ही नज़ारे जो हैं आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे किस तरह से घर के अंदर जो है लोग कैद हुए बैठे हैं। और यही मांग जो है लोगों से की जा रही है कि जो पानी है वो यहाँ पर लंबे समय बाद आया, लेकिन बारिश जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है। पांव टूटा हुआ है, किस तरह से बाहर जाएंगे, स्थिति क्या रही है, पहले कब देखा था आपने इस तरह की स्थिति और ये कैसे बनी है स्थिति? ये इस सीजन का दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जो आज पानी इतने लेवल पर आया है कि आसपास में रहने वाले सभी को तकलीफ हो रही है। जब यहाँ से गाड़ियाँ सड़क पर से गुजरती है तो वो पानी छलक करके मकान के अंदर तक आने की संभावना बनी रहती है, और आया है पानी। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जो ये अपना गवर्नमेंट महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के पुलिया तक का जो लेवल कम है, यहाँ पानी का भराव ज़्यादा है, उस भराव को सड़क को और इसको थोड़ा सा सही करने की कृपा करें ताकि आमजन इससे परेशान ना हो। भारी बारिश ने अजमेर के सबसे बड़े JLN अस्पताल में भी मरीजों की परेशानी बढ़ा दी। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के साथ ही ART सेंटर और लैब में पानी भर गया, जिसके चलते आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी पूरी गैलरी में भरा है, जिसके चलते लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। अस्पताल में भरे पानी के बीच ही डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। मरीजों की माने तो अचानक तेज बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया। क्या भैया, किस तरह की स्थिति है, पानी की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी हुई? पानी तो आगे पानी के जाल लगा रखे नालों में, उनसे कचरे जो रुक रहा है उससे पानी का भराव हो रहा है। पीछे हमारे घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और पूरी गली मतलब पूरी लेवल घरों के अंदर तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सब अपने सामान को उठा उठा के पहली मंजिल पर ले जा रहे हैं, और ये सारा भराव इसी कारण हो रहा है कि नगर निगम द्वारा इसको कचरों को नहीं उठाया गया इस वजह से, और आगे जाल लगा दिया जिससे पानी रुक रहा है। इतना सा नाला बनाया उसने, हमारी प्रॉब्लम ही हो गई ना। इतना बड़ा नाला था, उसको बिल्कुल नाली बना दिया, तो सबके प्रॉब्लम हो रही, घरों में पानी आ रहा है और सारी मेरी गाड़ी अलग चली गई उधर। शहर में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। फाय सागर से आ रही बाड़ी नदी भी ओवरफ्लो हो गई है, जिसके चलते आसपास की कॉलोनियों में पानी भर रहा है। ऐसे में लोग प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरह के हालात अजमेर के अलग अलग इलाकों के हैं। ये जो है पानी पुलिस लाइन में भरा हुआ है, इसी तरीके से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हो या उत्तर विधानसभा क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और इसी प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ की हम खबर आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन कौशिक सेन के साथ अशोक सिंह, News18 अजमेर। तो वहीं भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर के कोठारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। एक निर्दलीय विधायक का प्रदेश के मुखिया के साथ
मंच साझा करना भले ही कोई मुद्दा ना हो, लेकिन उसका किसी पार्टी का सदस्य बनना अच्छा खासा सियासी बवाल खड़ा कर देता है। तस्वीरें भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की हैं, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेकर सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। हाँ, ये सही है, हम प्राथमिक सदस्य बने हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश स्तर पर जो मीटिंग थी उसमें भी हमें बुलाया था, तो सभी का यही था कि हमें पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उनकी विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके कार्य को बताते हुए उनको जोड़ना। दरअसल भीलवाड़ा के कारोबारी अशोक कोठारी का अरसे से आरएसएस बीजेपी से जुड़ाव रहा है, हिंदू हितों के प्रखर पैरोकार रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो चुनावी समर में निर्दलीय ही ताल ठोक दी। बीजेपी के विट्ठल शंकर अवस्थी और कांग्रेस के ओम नारायणीवाल को हरा दिया, बीजेपी में वापसी से दल बदल कानून के दायरे में आ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से अशोक कोठारी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। दल बदल कानून 1985 के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, इसकी शिकायत मैंने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को की है और इसमें जल्दी उनको निर्णय लेने के लिए मैंने आग्रह किया है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता है, ऐसा करने पर विधायक की जा सकती है। इसके संबंध में जब न्यूज 18 संवाददाता ने कोठारी से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए सर, हम सदस्य तो बने हैं और हम स्वयं बने हैं, और रहा सदस्यता के ऊपर तो इस पर आपको कहना चाहिए कि हम लीगली टेक्निकली हमें नॉलेज नहीं था कि हम इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है और हम प्राथमिक सदस्य हमें बन सकते हैं, हमें ये नॉलेज था, उसी के आधार पर हम बने। मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तय है, हालांकि अशोक कोठारी को सिर्फ इसी मुद्दे पर विधायकी से हटाना आसान नहीं होगा, विधानसभा स्पीकर इस मुद्दे को लंबित रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान से अब साफ हो गया कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। रिपोर्ट देखिए। छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर लगा विराम, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, सरकार के फैसले से छात्र नेता नाराज। अभी केवल शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टाफ की और व्यवस्था कर रहा हूँ। आगे सरकार चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? उच्च शिक्षा मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम के इस बयान के साथ ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी खत्म हो गई है। बयान से साफ है कि ना इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे, ना ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस बाबत डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल किया तो उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के सुधार की बात कही। सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव ना करवा के युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। छात्रों के लिए हमने पहले भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बात रखी थी और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका दिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आखिरी फैसला सरकार करे। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव पर रोक को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी करने के बावजूद अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यह बीजेपी सरकार का
छात्र विरोधी फैसला है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और यही नेता, छात्र नेता जो तानाशाही प्रशासन होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, उनकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं और यही छात्र नेता आगे चल के भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया है जो कि निंदनीय है, जबकि समस्त छात्र संगठन, समस्त छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और उन्हें भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार जो कि जनता के द्वारा नकार दिए जाने से भयभीत है, आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ये छात्र हितों पर और छात्र राजनीति के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्य धारा की राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय के उद्घाटन का वक्त भी दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तय वक्त बीत चुका है और ऐसे में चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना ना के बराबर है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं बिसलपुर बांध से खुशखबरी है, जहां पर बिसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से अब लबालब हो गया है और इसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बटन दबाकर के बांध के गेट ओपन किए हैं। आखिर इंतजार हुआ खत्म। जयपुर अजमेर के लिए आई शुभ घड़ी। 2 साल बाद छलका बिसलपुर बांध। कानों में पड़ रही कलकल की ध्वनि दिमाग को आश्वस्त कर रही है, अब प्यास को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बिसलपुर बांध से बड़ी खबर सामने आई है। बिसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है। बिसलपुर बांध के गेट खोलने से पहले गुरुवार रात को ही चेतावनी का हूटर बजा दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को पूजा अर्चना हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा, बिसलपुर SE वीरेंद्र सिंह सागर शामिल हुए। इसके बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बटन दबाकर बांध के गेट नंबर 9-10 को 1-1 मीटर खोलकर पानी को बनास नदी में छोड़ा। देखिए, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इंद्र देवता राजस्थान से राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजन लाल जी की सरकार का ये पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बिसलपुर के गेट खोलने आए क्योंकि बिसलपुर लबालब हो गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि ERCP का काम पूरा होने के बाद बिसलपुर बांध हमेशा भरा रहेगा। साथ ही उन्होंने ERCP को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ERCP का पानी आने के बाद बिसलपुर सदा लबालब रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, इसलिए हम तेजी से ERCP पे काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा ERCP को लेकर बात करते रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहे। DPR हमने केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करा दी है, मध्य प्रदेश ने भी करा दी है और जल्दी केंद्रीय, क्योंकि इन सब का निर्णय केंद्रीय जल आयोग लेता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपनी जो DPR वहाँ सबमिट कराई है वो दोनों को मिश्रित करके केंद्रीय जल आयोग इसको पब्लिश करेगा, पब्लिश करने के बाद वो सबके सामने आएगी।
अब 2 साल तक जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए पेयजल आपूर्ति नियमित हो सकेगी। सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। पूर्ण भराव क्षमता छूने का मतलब ये है कि 2 साल तक इस बांध से पेयजल सप्लाई अब नियमित की जा सकेगी। मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सोम्या झा समेत बिसलपुर बांध के तमाम अधिकारियों ने यह पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर ये 2 गेट खोलने की प्रक्रिया है वो की, और ये बांध का पानी बनास नदी में अब निरंतर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टाउन। अगर आप राजधानी जयपुर के बाशिंदे हैं और ट्रैफिक जाम से बुरी तरह से आप परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस खबर को पूरा देखिए। ट्रैफिक जाम बन रहा जी का जंजाल, जयपुर में बिछेगा एलिवेटेड सड़कों का जाल। जिधर नजर डालिए उधर गाड़ियों की कतार। वक्त गुजरता जाता है लेकिन सड़क पर जाम में फंसे आदमी के लिए समय जैसे मानो ठहर जाता है। 10-10 मिनट के इंतजार के बाद जब बमुश्किल 1.25 इंच गाड़ी आगे बढ़ती है तब इंसान अपने आप को सबसे बेबस महसूस करता है। भयानक ट्रैफिक जाम सब्र का इम्तिहान ले लेता है, लेकिन अब जयपुर के बाशिंदों को जाम से निजात मिलने वाली है। ट्रैफिक तो दिनों दिन काफ़ी बढ़ रहा है जयपुर सिटी में, और ख़ास तौर से अभी जैसे आप मानो कि बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात के समय तो बहुत परेशानी होती है, तो इसको लेकर जैसे एलिवेटेड बहुत अच्छी सुविधा है, अगर एलिवेटेड का हो तो ट्रैफिक सुगम हो जाता है, तो ये अच्छी पहल है अगर एलिवेटेड से बन जाए और ट्रैफिक और यातायात संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। राजधानी जयपुर में एलिवेटेड रोड्स का जाल बिछाने की तैयारी है। खबरों के मुताबिक जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है। अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क के निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजधानी जयपुर के अंदर दिनों दिन जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण नए एलिवेटेड रोड बनाने के ऊपर विचार कर रहा है। इसको लेकर अभी हाल फिलहाल 2 जो नए एलिवेटेड रोड है उसके बनाने के ऊपर विचार है। ये अंबेडकर सर्किल है, यहाँ पर जिस तरीके से VVIP मूवमेंट रहता है और हर वक्त जो ट्रैफिक का दबाव रहता है, तो ऐसे में जो भारत सेतु एलिवेटेड रोड है उसको कनेक्ट करता हुआ जयपुर विकास प्राधिकरण एक प्लान कर रहा है कि जो रामबाग सर्किल, JDA सर्किल होता हुआ जवाहर सर्किल तक एक 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाए। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। 3.6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क के निर्माण पर 400 करोड़ की लागत आएगी। दोनों एलिवेटेड सड़कों के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR तैयार की जाएगी। 4 कंसल्टिंग फर्म इसकी फाइनेंशियल बिड में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि इन सड़कों की घोषणा जारी वित्त वर्ष के बजट में की गई थी। कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर जो आपका कहा जा सकता है कि जो सिविल लाइन्स का जो इलाका है, सरदार पटेल मार्ग है, वहाँ तक भी करीब एक 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने के लिए DPR के ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द जयपुर विकास प्राधिकरण ऐसे इन एलिवेटेड रोड्स को धरातल के ऊपर उतार कर कहीं ना कहीं जयपुर राइड्स को कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स की नींव कब लग पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। कल से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और देश भर में इसे लेकर तैयारियां हैं। रिपोर्ट देखिए। कहने की जरूरत नहीं, यहाँ आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है।
बिगड़ मांगे दे देता है, तो मांगने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जिस दरबार में याचिकों के भी मान सम्मान का ध्यान रखा जाता हो, उनका सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता हो, उस दरबार की आभा कभी कम नहीं हो सकती, उसके वैभव की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नजारे के बारे में कुछ कह नहीं सकते, जिंदगी में पहली बार नजारा देख रहा हूँ जैसलमेर का। इससे पहले 45 साल में साल में दो बार आता हूँ, मैं मद्रास से आ रहा हूँ, साल में दो बार पक्का आता हूँ यहाँ पे। क्या मान्यता है यहाँ पे? मान्यता जो मांगो आपकी इच्छा पूरी होती है। तस्वीरें जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर चुंधे स्थित भगवान गणेश मंदिर की है। मंदिर में पांव रखते ही यहाँ का शांत स्निग्ध वातावरण आपका नाता एक अलौकिक दुनिया से जोड़ देता है। 1400 वर्ष से भी पुरानी चुंधी गणेश मंदिर के पीछे का इतिहास भी चौंकाने वाला है। कहा जाता है कि चवद ऋषि ने यहाँ 500 वर्ष तक तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम चुंधी पड़ा था। ये मंदिर बरसाती नदी के बीचों बीच बना है, जिसके चलते बारिश में यहाँ मंदिर परिसर में पूरी तरह पानी भर जाता है। ये बरसाती पानी मंगल मूर्ति के चरण स्पर्श करके ही यहाँ से निकलता है। मान्यता है कि प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी से पहले बारिश होती है और सभी देवता मिलकर गणेश जी का जलाभिषेक करते हैं। बहुत भव्य तरीके से पानी आया हुआ है, पानी बढ़ते बढ़ते घंटे तक बढ़ जाता है ना, घंटे तक फिर चलने लगता है। ये तो देखिए अद्भुत बात है ना, और ये स्वयं मूर्ति है ना, प्रकट मूर्ति है, जैसे हजारों साल पहले थी वैसे आज भी है, ऐसे कोई कारीगरी नहीं की गई है ना। पानी आता है, चट्टाने आती है, पेड़ भी आते हैं, सब तकरार मतलब ऊपर से निकल जाते हैं, है ना। आज तक कुछ नहीं हुआ, जैसी मूर्ति थी वैसा ही है। कहा जाता है कि यह मंदिर जैसलमेर की स्थापना से भी पुराना है। मंदिर परिसर में बिखरे पत्थरों से भक्त अपना मनपसंद घर बनाते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भक्त अपने हाथों से जैसा घर बनाता है, उसे भगवान गणेश वैसा ही घर प्रदान करते हैं। लोगों की यहाँ की आस्था है, यहाँ के लोगों में ये लोग यहाँ कच्चा मकान बना के जाते हैं, उन्हें आगे चल के पक्का मकान बन जाता है साल से महीने के अंदर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। वन्य जीवों को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई, हाथी के दांत और हिरण के अवशेष बरामद किए गए हैं, पैंथर का मुंह भी बरामद हुआ है। वन्य जीव तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई है, दो लोगों को हिरासत में लिया गया, कल मामले का खुलासा किया जाएगा। करोड़ों रुपए की कीमत इन वन्य जीव अंगों की बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से पैंथर का मुंह बरामद किया गया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये तस्कर लगातार सक्रिय है राजस्थान में, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जोधपुर से ये तस्वीरें आई है, जिसमें कई वन्य जीवों के महत्वपूर्ण अवशेष बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और इन बरामद अवशेषों में हाथी के दांत समेत हिरण के भी कई अंगों के अवशेष हैं। पैंथर का बाकायदा मुंह जिसकी तस्करी की जा रही थी, कैसे पैंथर का शिकार किया जा रहा है और इसके बाद में तस्कर कैसे हावी है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दो लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी बड़ी गैंग जो है वो वन्य जीवों का शिकार करके उनके अंगों की तस्करी के मामले में संलिप्त है। क्या ये इंटरनेशनल गैंग है, यह भी बड़ा सवाल, और इस मामले का कल खुलासा किया जाएगा। करोड़ों रुपए की कीमत के वन्य जीवों के अंगों के अवशेष है जिनकी तस्करी की जा रही थी, यहां पर कार्रवाई के दौरान बरामद हुए हैं। वन्य जीव तस्करों को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की कीमत के वन्य जीवों के अवशेष बरामद हुए हैं। आज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने सूचना मिलने पर कि कुछ अवैध वन्य जीव आर्टिकल्स में ट्रेड के हिसाब से कोई लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी सूचना मिली। तो पुराने जोधपुर शहर में दो जगह
रेड करी गई, दबिश दी गई और उसके उपरांत हाथी दांत का और पैंथर स्किन आदि का सामान जब्त किया गया। तो वन्य जीव तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई है और बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिरकार इन दुकानदारों के पास में यह सब सामान कहां से आ रहा है। क्या एक इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है जो राजस्थान के वन्य जीवों का शिकार करके और इस तरह से उनके अंगों की तस्करी कर रही है, इसे लेकर के बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है।